और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सबसे पहले एससी एसटी में जिस तरीके से फैसले में एक्ट के दुरुपयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके बाद भारत बंद है आज, और इसकी वजह से कई जगह पर रेल सेवा बाधित हुई है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ा है। भारत बंद से रेल सेवा प्रभावित हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बाड़मेर में भी रेल सेवा प्रभावित हुई। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोहर केसरी जुड़ गए हैं। मनोहर, अब इसका असर और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, रेल सेवा पर भी इसका असर पड़ा है, क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, बिहार, यूपी, अगर हम दिल्ली भी बात करें तो ये तमाम ऐसे राज्य और केंद्र शासित राज्य हैं जहां रेल सेवा पूरी तरह से इफेक्टेड हुई है। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी से जो ट्रेनें आने वाली सुबह की अक्सर आना था वो इफेक्टेड है। और अभी फिलहाल संपर्क क्रांति, देहरादून जनशताब्दी और कई ऐसी ईएमयू ट्रेनें हैं, उत्कल एक्सप्रेस है जो मोदी नगर, मेरठ और गाजियाबाद के आसपास घंटों से खड़ी है। रेल यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में शिवाजी ब्रिज के पास सुबह कुछ लोगों ने वो लोग नारे लगा रहे थे पटरी पे, भीम सेना कह सकते जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, उन लोगों ने रोकने की कोशिश की थी दिल्ली में। तो चलिए शुक्रिया आपका मनोहर ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो भारत बंद की वजह से रेल सेवा भी बाधित हुई, और इस वक्त केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुन लेते हैं। ही वॉज गिवन भारत रत्न इन 1989 बाय द वीपीसी गवर्नमेंट विच वी वर ऑल्सो सपोर्टिंग। फ्रॉम 56 टिल 89 कांग्रेस पार्टी वॉज ऑलवेज इन पावर एक्सेप्ट टू ईयर्स ऑफ मोरारजी भाई गवर्नमेंट। वाई डिड नॉट कांग्रेस चूज टू गिव भारत रत्न? हु अपोज्ड द पोलिटिकल नैरेटिव्स ऑफ अम्बेडकर इज टू वेल नोन। My friend Thawar Chandji is here in the Social Justice Ministry. We have taken a lot of initiative for the Kalyan of the Dalits, and we wish to emphatically state that the provision of reservation for Scheduled Caste and Scheduled Tribe is firm, will remain firm, and the Narendra Modi government has no idea at all of tampering with it, which the Congress Party is seeking to campaign in the most vicious manner. I know. The Dalits are happy with the Narendra Modi government, the tribals, the backwards, the poors, the deprived, because they know that Narendra Modi government is working for them. In spite of all these narratives, at times they will raise the issue of triple talaq, it is pending in the Raj Sabha. Now they are seeking to campaign this unfounded narrative. I thought we need to clarify. And lastly, our commitment to the cause of Dalit empowerment is so pronounced that it was our government which ensured that the very respectable political leader who was also a Dalit becomes the President of India. तो केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि दलितों के हित में लगातार नरेंद्र मोदी सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। तो देश भर में आगजनी और हिंसक प्रदर्शन लगातार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दलित संगठन इस तरह से जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तस्वीरें जो जगह अलग अलग इलाकों से आ रही है आपको दिखा रहे हैं हम। तस्वीरें देखिए, आगजनी कई जगह पर हुई है और इस फैसले को वापस लेने की मांग इन संगठनों की तरफ से की जा रही है। सीएसटी एक्ट में बदलाव के बाद आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। और इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी और साथी आरएसएस पर निशाना साधा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा और कहा कि दलितों को निचले पायदान पर रखना बीजेपी के एनडीए में है। हम दलितों को सलाम करते हैं, दलितों का समर्थन उन्होंने किया है। और ट्वीट के जरिए क्या कुछ कहा है आपको बता रहे हैं, दलितों को भारतीय समाज के सबसे निचले पायदान पर रखना आरएसएस और बीजेपी के डीएनए में है। जो इस सोच को चुनौती देता है उसे वो हिंसा से दबाते हैं। हजारों दलित भाई बहन आज सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार से अपने अधिकारों की रक्षा की मांग कर रहे हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। तो इस बंद का समर्थन राहुल गांधी ने किया। और इसी के साथ आपको अब अलग अलग पांच तस्वीरें दिखा रहे हैं, बिहार, यूपी, दरभंगा, हापुड़, आरा, संभलपुर और साथ ही बिहार के अलावा ओडिशा और केरल की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जगहों से अब प्रदर्शन की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई दे रही हैं। जगह जगह बवाल और आगजनी भी हुई है और कई जगहों पर रेल रोक कर भी प्रदर्शन किया जा रहा है और दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें इस बाबत प्रभावित भी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, भारत बंद का असर इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। बेगूसराय में देखिए, सड़क पर आगजनी कर
यहां पर हंगामा हो रहा है। पंजाब की भी तस्वीरें, पटना, अहमदाबाद, जीरकपुर की, बंद का असर हर तरफ दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन ने पूरी कोशिश की है कि किसी तरह की स्थिति अनकंट्रोल ना हो, लेकिन तस्वीरों में कई जगहों पर इस तरह की स्थिति दिखने को मिल रही है। गाजियाबाद की तस्वीरें देखिए, जहां पर आगजनी हुई है, प्रदर्शन के तहत यहां पर आगजनी और हंगामा देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद की तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो भारत बंद का ये असर, अलग अलग तस्वीरें, और इस वक्त गाजियाबाद में हंगामा हो रहा है। प्रदर्शन के तहत यहां पर कई जगह आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं, और ये तस्वीरें आपको बाड़मेर की दिखा रहे हैं। देखिए, सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन फिर भी यहां पर तोड़फोड़ की जो तस्वीरें इस वक्त सड़क पर वो दिखाई दे रही है। लोग बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं सड़कों पर, और हजारों दलित सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों के सामने एक बड़ी चुनौती है इस स्थिति को कंट्रोल करने की। और राजस्थान में बवाल ज्यादा दिखाई दे रहा है। 5 अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अजमेर, जयपुर, सूरतगढ़, बाड़मेर और किशनगढ़ भी। हर जगह संगठन सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, और हर जगह इस फैसले को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो लगातार हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल रुकेंगे कुछ पलों के लिए, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।